क्या उर्वशी राउतेला की आरपी आरपी सिंह है अबे या फिर रियान परागी असली आरपी है या फिर रिकी पॉइंटिंग ही उर्वशी के आरपी है चुप हो जा सातवीं फेल या फिर इस गुरु का चेला ऋषभ पंत है असली आरपी। हाँ ये कर लो पहले और क्या यही तो करने बैठे हम और कोई काम ही नहीं है हमें तुम पहले निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर लो ना अपने आप को स्टार बोलते घूमते हो और कलेश स्कूल कॉलेज के नसकटे बंदा बंदी वाले कर रहे हो क्या है ये पूरी की उर्वशी कांट टेक इट इजी राउतेला और ऋषभ भाई तू वर्ल्ड कप पे ध्यान दे ले पंत एक साथ ट्रेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे कोशिश करता हूं समझाने की इस वीडियो में। हाय मैं हूं अभिषेक आप देख रहे हो वन कट और मैं सिर्फ फैला हुआ रायता देख रहा हूं। स्टार कौन बनाया है इन दोनों को बचपना खत्म ही नहीं हो रहा है इन दोनों का लड़ने लगे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे। अपेरेंटली ऐसा कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत ने डाली स्टोरी इंस्टाग्राम पे और डिलीट भी कर दी। ये स्टोरी डाली थी एक इंटरव्यू में कही हुई बात की वजह से और फिर उस डिलीटेड स्टोरी की रिप्लाई में एक और पोस्ट और स्टोरी डलती है। देख रहा है विनोद कैसे छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता लेकिन सोशल मीडिया पे हगना पूरी तरह आता है। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हो रखा है इंडिया को रिप्रेजेंट करता है दूसरी फेमस एक्ट्रेस हो रखी है हाँ मतलब दीदी को लगता है उनको एक्टिंग आती है बाकी फेमस तो है ही वो लेकिन हरकतें देख लो स्कूल कॉलेज के बाबू सोना वाली हरकतें चल रही हैं। अभी तुमको दिक्कत है एक दूसरे से तो फोन घुमा लो ना एक दूसरे से बात कर लो टॉक इट आउट लाइक एडल्ट्स लेकिन ना इसी बहाने हेडलाइंस में भी तो आ जाएंगे ना। अब तो तुम टेक्निक जान गया। कई बार उर्वशी राउतेला और ऋषभ पंत के नाम को जोड़ते हुए मीम्स बनते रहते थे या कभी खबरें उड़ा दी जाती थी कि उनके बीच ऐसा हुआ वैसा हुआ रिलेशनशिप थी नहीं थी लेकिन फिर भी लगता था कि चलो छोड़ो यार फालतू बातें। लेकिन फिर रैंडमली एक दिन उर्वशी दीदी एक इंटरव्यू में बोल जाती हैं कहती हैं कि मुझसे मिलने एक सर्टन मिस्टर आरपी आए थे जिनका वो नाम बताना चाहेंगी नहीं लेकिन आधी अधूरी बात बोल के हिंट भी देना चाहेंगी कि किसकी बात कर रही हैं जैसे बाकी लोग तो बैठे हैं उनके दिमाग में तो सिलिकॉन और बोटॉक्स भरा हुआ है उनको समझ में थोड़ी ना आएगा। हाँ तो दीदी कह रही थी आरपी का नाम और कहती है कि उस बंदे ने घंटों वेट की एक होटल की लॉबी में मुझसे मिलने के लिए और फिर मुझे 16-17 मिस कॉल्स भी कर दिए फिर उन्होंने उस आरपी को मुंबई के होटल में मिलने बुलाया बस वही बात खराब हो गई। ये आरपी आरपी जैसे ही हुआ ये इंटरव्यू की क्लिप वायरल हुई लोगों ने इंटरनेट पे एसीबी प्रद्युमन और सालुंखे का कॉम्बिनेशन बना के लिंक करना शुरू कर दिया कि जो दिल्ली में मिला आरपी और एकदम से उर्वशी राउतेला भी उसका नाम ले रही है आरपी आरपी बोल के कौन हो सकता है ये ओह माय गॉड ये तो ऋषभ पंत हो सकता है। अगर कोई डाउट बच रहा था अभी भी तो फिर उसके बाद ऋषभ भाई पंत ने अलेजिडली एक स्टोरी डाली इंस्टाग्राम के ऊपर और 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीट भी कर दी लेकिन चीते की चाल बाज की नजर और इंटरनेट के स्क्रीनशॉट वीरों की स्पीड पर डाउट नहीं करते हैं और ऋषभ पंत की स्टोरी का स्क्रीनशॉट हो गया वायरल जिसमें लिखा था हेडलाइंस में बने रहने के लिए लोग कितना झूठ बोल देते हैं झूठ की भी लिमिट होती है और मेरा पीछा छोड़ दो बहन अगला तो बहन बोलने पे ही आ गया सोचो कितनी बुरी तरह से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। लेकिन इसके बाद फिर उर्वशी जी ने आरपी साहब को एड्रेस करते हुए एक पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे कि छोटे भैया आप बैट बॉल ही खेलो रक्षाबंधन मुबारक एक साइलेंट लड़की का फायदा मत उठाओ और सबसे बढ़िया #CougarHunter। अब CougarHunter बोल दिया यार अब ये कूगर हंटर क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा बस देख लो कि मतलब क्या होता है गूगल पे अगर कूगर हंटर टाइप करे तो देख रहे हो बिल्कुल ही मतलब सेक्स वुक्स पर बातें चली गई है। तो बाकी कूगर वर्ड ध्यान से सर्च करना गूगल पे इस कैटेगरी पे बहुत सारी वो वाली वीडियोस मिल जाती हैं समझ रहे हो आप समझ रहे हो। वैसे सारे सबूतों गवाहों और स्क्रीनशॉटों को मद्देनजर रखते हुए लगभग ये प्रूव होता है कि ऋषभ पंत ही आरपी है जिसकी बात उर्वशी राउतेला कर रही है और अगर वो नहीं है तो कौन है ये मिस्टीरियस आरपी नीचे बताओ कमेंट्स में। ये जो एक दूसरे के लिए स्टोरी स्टोरी वाली बकर कर रहे हैं इसको 0 से लेकर नेहू रोहू की निब्बा निब्बी रेटिंग्स में कितने नंबर देंगे आप ये भी नीचे कमेंट्स में बताओ। मुझसे अलग से कुछ कहना चाहते हो इंस्टाग्राम पे तो आके कह सकते हो माई हैंडल इज @abhishek_manchanda_। लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू अनकट ऑन फेसबुक इंस्टा एंड यूट्यूब फॉर मोर सच कॉन्टेंट। मैं हूं अभिषेक आप देख रहे हो अनकट।